राजस्थान में एक बार फिर युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ। प्रदेश में सरकारी शिक्षण संस्थानों के गढ़ कहे जाने वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी में पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई। मामला यूनिवर्सिटी कैंपस में लाइब्रेरी खुलने के समय में कटौती करने से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के बाहर पिछले कुछ दिनों से लाइब्रेरी खुलने का समय बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन में जुटे छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। रविवार की छुट्टी के बाद जैसे ही सोमवार को यूनिवर्सिटी खुली, छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन के लिए लाइब्रेरी पहुंच गए। सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन का चौथा दिन था। दरअसल छात्र संगठन NSUI के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र सुबह 8 बजे ही लाइब्रेरी के बाहर पहुंच गए और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इसके बाद लाइब्रेरी में बैठे सभी छात्रों को बाहर निकालकर लाइब्रेरी के मुख्य दरवाजे को ताला जड़ दिया गया, जिससे कोई भी कर्मचारी अंदर नहीं जा सका। यहां तक कि विद्यार्थियों ने सफाई कर्मचारियों को भी लाइब्रेरी में प्रवेश नहीं करने दिया। इसके अलावा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं को पुलिस ने देर रात हिरासत में ले लिया था। वहीं ABVP के कार्यकर्ताओं ने लाइब्रेरी खोलने का समय घटाने का विरोध करते हुए रविवार देर रात कुलपति सचिवालय के बाहर थाली बजाकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद ABVP ने थाली बजाते हुए कुलपति सचिवालय से लाइब्रेरी से बाहर तक मार्च किया।